9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। As far as we understand, the current situation on the China-Indian border is generally stable. The two sides have been maintaining open communication on this issue through diplomatic and military channels. We hope that the Indian side and the Chinese side will move in the same direction, earnestly implement the important consensus reached by the leaders of both countries, strictly abide by the spirit of the relevant agreements and accords signed by both sides, and work together to maintain peace and tranquility in the China-India border area. As for the specific issue you mentioned, I suggest you to ask the relevant authorities. Said that they have already, you know, occupied our land in Ladakh. They have also occupied land in Arunachal Pradesh, as per the, you know, statement given by the BJP member parliament. But unfortunately, BJP is doing nothing about it. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. This is a very sorry state of affairs. Very sorry. सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना, 9 तारीख को ये क्लैश होता है, आज आप आकर पार्लियामेंट को कहते हैं, अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता तो आप तो बोलते भी नहीं, आप तो खामोश बैठ जाते। कैसे 18,000 फीट नीचे से ऊपर आकर चीन हमला करते हमारे भारत की फौज के ऊपर, हमारी जमीन में कैसे आता है? क्यों आप पिछले 2 हफ्ते में कि हमने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल क्यों किया जब चीन के एयरफोर्स घुसना चाह रही थी उसी जगह पर? तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। भाई लेके जाइए ना हमको, चलिए पूरे ऑल पार्टी लेके जाइए उस जगह पर जहां पर क्लैश हुआ, लेके जाइए हमको डेमसाक और डेमचौक में, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते नहीं है कुछ चीन के बारे में। कहाँ क्लैरिफिकेशन है? अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे, क्लैरिफिकेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। पहले तो हम चर्चा पूछे, चर्चा को भी तैयार नहीं। इसका मतलब डेमोक्रेसी में जो कुछ भी चीजें होती हैं वो चर्चा
से ही सॉल्व होती है। और हम वो जो चर्चा करके बताना चाहते हैं या कुछ स्टेटमेंट देके हम उसमें क्या कमियां हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है। और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है, मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उन्होंने उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्शन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाए। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है।